हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। ये हमारा यूट्यूब का पहला लेक्चर होगा और आज के इस पहले लेक्चर को शुरू करने के लिए हमने एक शानदार टॉपिक लाया है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। आर्ट एंड आर्किटेक्चर का टॉपिक है ये, ठीक है। आपको पीछे देख के पता चल रहा होगा आर्ट एंड आर्किटेक्चर का टॉपिक है और इसमें हम जितने इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं नॉर्थ इंडिया के, साउथ इंडिया के, सेंट्रल इंडिया के, राइट, उसको हम पढ़ने वाले हैं और आज हम टेम्पल के स्टाइल के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टेम्पल से लेकर के कि आखिर टेम्पल यानी कि मंदिर क्या है। ठीक है, और आप सबको पता है मंदिर मतलब क्या है। जैसे हम लोग को रहने के लिए घर चाहिए होता है, वैसे भगवान के रहने के लिए एक मंदिर बना दिया गया। ओके, तो मंदिर बेसिकली वही है और बस मंदिर में और कुछ नहीं जानना है हमें। यहाँ पे जानना है सोर्सेज के बारे में। ओके, अब सोर्सेज के बारे में यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सोर्सेज हम क्यों पढ़ेंगे। ये सोर्सेज थोड़ा सा डीप हो जाता है, ये उन बच्चों के लिए काम में आएगा जो पीजी या फिर नेट हिस्ट्री से देंगे या फिर एआईएससी से देंगे, उनके लिए ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेट का देंगे या फिर पीजी एंट्रेंस का देंगे। तो इसके सोर्सेज कहाँ मिलते हैं हमें, सोर्सेज में मैं जो लिटरेरी सोर्सेज है वो हम देखेंगे। यहाँ पे एक है टेक्स्ट मानसार करके, ठीक है, एक मानसार टेक्स्ट है, उसमें हमें पहली बार मंदिर के बारे में एक मंदिर वर्ड का जिक्र हमें मिलता है। ओके, ये सोर्सेज है। इसके बाद वेरियस टेम्पल स्टाइल्स आर डिस्कस्ड इन समरांगन सूत्रधार, ठीक है। ये एक अगेन एक दूसरा ये टेक्स्ट है और इसमें हमें मंदिर के शैलियों के बारे में पता चलता है। ठीक है, मंदिर के शैलियों के बारे में पता चलता है इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि एक बार पीजी एंट्रेंस में या फिर नेट में कहीं पे क्वेश्चन पूछा था कि ये बुक का नाम दे दिया था, ठीक है, समरांगन सूत्रधार, और पूछा था कि इसका कंटेंट क्या है, ठीक है, मतलब इसकी विषय वस्तु क्या है, इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं, क्या चीज़ें लिखी गई हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सोर्सेज में आता है टेम्पल के सोर्सेज में और इसमें टेम्पल स्टाइल्स के बारे में बातें की गई हैं। ओके, इसके बाद द रिमेन्स ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट बिगनिंग फ्रॉम द गुप्ता पीरियड। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो रिमेन है हिंदू स्थापत्य के जो अवशेष है यानी कि जो रिमेन है वो हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं, वो हमें गुप्ता पीरियड से देखने को मिलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे गुप्ता पीरियड क्यों, क्योंकि इससे पहले के मंदिर वगैरह उससे पहले नहीं बनता था, ठीक है, उससे पहले नहीं बनता था और हमें दिखाई नहीं देता है उसके सोर्सेज। बनता था पर उसको हम अर्ली टेम्पल में रख देते हैं, बनना शुरू होता है वहीं से, उसी के आसपास के पीरियड में। तो अभी हम जब आगे स्लाइड करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कितने तरीके के कहाँ से मतलब बनने शुरू हुए हैं, किस स्टाइल से। ओके, तो बस आपको सोर्सेज में जो अभी स्टूडेंट है मतलब कि जो पीजी और नेट के लिए देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, सोर्सेज में आपका मानसार हो गया, समरांगन सूत्रधार हो गए, ये दो आपके लिटरेरी सोर्सेज हो गए। आगे चलते हैं, आगे में अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ पार्ट्स होते हैं। ओके, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है वो क्या है वो हमें जानना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले सैंक्टम सेंक्टोरियम है या फिर गर्भगृह, ठीक है, गर्भगृह, ये हिंदी और इंग्लिश इसका टर्म सेम रहता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सैंक्टम सेंक्टोरियम क्या है, द पार्ट ऑफ द टेम्पल इन विच द आइडल इज इंस्टॉल्ड, द सैंक्टम सेंक्टोरियम इज यूजली स्क्वायर। ये बता रहा है कि जो गर्भगृह होता है वो सबसे सेंट्रल पार्ट होता है, मतलब वो गर्भगृह मतलब जैसे एक छोटा बच्चा गर्भ में रहता है माँ के, वैसे ही गर्भगृह भी बनाया जाता है मंदिर का जिसमें भगवान को स्थापित किया जाता है, ठीक है। और गर्भगृह आपने देखा होगा कि गर्भगृह काफ़ी ऐसे यूजुअली स्क्वायर में बनाया जाता है, ठीक है, स्क्वायर में बनाया जाता है और वो अंधेरा रहता है, ठीक है, उस गर्भगृह में कई खिड़की वगैरह नहीं बनाई जाती है, वो अंधेरे के लिए बनाया जाता है जानबूझ के। तो ये है गर्भगृह के बारे में एक बात। आगे चलते हैं, मंडप क्या होता है, मंडप होता है गर्भगृह के सामने स्तंभों पर आधारित बरामदा, ठीक है, मंडप। ये एक अगर आपको देखना है, मैं यहाँ पे पिक्चर तो ऐड की हूँ, हाँ ये देखिए, ये है अभी जो अयोध्या का राम मंदिर का शिलान्यास हुआ ना उसका मैंने पिक्चर लगाया आपको समझने के लिए। ये है आपका जगती,
एक बार मैं पिक्चर में दिखा देती हूँ, फिर आपको ले जाके वहाँ स्लाइड में बताऊंगी। ये पूरा पूरा का पिक्चर है, ठीक है। ये जो सबसे नीचे प्लेटफॉर्म दिख रही है, जिससे हम सीढ़ी से चढ़ते हैं, ये होता है प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसको जगती बोला जाता है, फिर जगती मतलब प्लेटफॉर्म होता है। तो ये आपका प्लेटफॉर्म हो गया। इस पर चढ़ने के लिए यूजली सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है, तो सीढ़ी और जगती इसी का एक पार्ट है। इसके बाद हम जाते हैं, तो ये जितने आपको तीन दिख रहे हैं ना, ये एक दो तीन, ये ऐसे मंदिर पिरामिडिकल शेप में, ये तीनों आपके मंडप हैं। क्या है? ये तीनों मंडप है, लेकिन इन तीनों मंडप का नाम अलग अलग होता है, और तीनों मंडप की जो लेंथ या फिर विड्थ कहते हैं, वो भी डायमेंशन अगर हम बोले तो ये अलग अलग होता है तीनों मंडप का, ठीक है। अर्धमंडप, महामंडप, जग ऐसे अर्धमंडप और मंडप, अर्धमंडप और महामंडप होता है। और सबसे लास्ट में ये आपका शिखर हो गया, और शिखर के नीचे ये जो है आपका गर्भगृह होगा, ठीक है, जो स्क्वायर में रहता है। तो ये तीनों मंडप क्यों होता है? तीनों मंडप आपके बैठने के लिए होता है। अगर मंदिर में भजन कीर्तन हो रहा है तो सब लोग मंडप में ही बैठते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो छोटे छोटे मंडप होते हैं, अर्धमंडप, मंडप और महामंडप। ओके, इसका नाम उतना ध्यान नहीं रखना है कि कौन अर्धमंडप है कौन महामंडप है, बस समझ लो कि मंडप होते हैं तीन बड़े बड़े से, कहीं कहीं पे एक ही मंडप भी हमें दिखाई देते हैं। और ये सबसे लास्ट में गर्भगृह होता है, गर्भगृह के ऊपर शिखर बनाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो शिखर भी ना अलग अलग होते हैं। अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, वहाँ पर जो मंदिर है उसके शिखर अलग हैं, जो साउथ इंडिया के मंदिर है वहाँ पर शिखर अलग हैं। तो हम देखेंगे कि शिखर क्या होगा और कैसे कैसे बदलता है अलग अलग रीजन में। ओके, यहाँ पे टर्म लिखा है प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ मतलब कि जब आप किसी मंदिर में जाते हैं पूजा करने, तो उसके गर्भगृह के चारों तरफ आप चक्कर लगाते हैं, ठीक है। 11 बार ऐसे करके चक्कर लगाया जाता है। तो वो जिस हॉल मतलब जिस बाहर की गैलरी में चक्कर लगाया जाता है उसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है, ठीक है, मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। ओके, तो हो गया आपका मंडप, अर्धमंडप, ठीक है, मंडप और अर्धमंडप, और एक महामंडप भी होता है। तीन मंडप होते हैं, कहीं पे एक या फिर दो भी दिखाई देता है। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि गर्भगृह के सामने जो स्तंभों पर आधारित रहता है, आपने देखा ये गर्भगृह के सामने है, पिलर्स पे इसको बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद है अर्धमंडप, रेक्टेंगुलर वरांडा इन द फ्रंट ऑफ पेविलियन, ये भी वैसे ही बनाया जाता है। अब आगे चलते हैं अंतराल क्या होता है, ठीक है। अंतराल क्या है? द पार्ट और गैलरी कनेक्टेड द सेक्टम सैंटम सेंटोरियम एंड द मंडपा। देखो अंतराल क्या होता है, अंतराल ये होता है, ये जो बीच का आपका आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये मंडप और गर्भगृह के बीच का जो पार्ट होता है वो होता है आपका अंतराल, ठीक है। अंतराल या फिर गैलरी, वो बहुत एक छोटा सा हिस्सा होता है, बहुत पतली सी गैलरी जैसी होती है, और उसको आप पार करके गर्भगृह के मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है। मान लो ये आपका मंडप हो गया, ठीक है, ये आपका मंडप हो गया, और यहाँ पे आपका गर्भगृह है, और इसके ऊपर ऐसे ऐसे शिखर हैं। ओके, तो ये मंडप से और गर्भगृह के बीच में जब आप जा रहे हैं, तो ये बीच वाला जो पार्ट होता है यही अंतराल कहलाता है, और इसमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, आगे चलते हैं। प्रदक्षिणा पथ क्या है? प्रदक्षिणा पथ अ गैलरी लाइक वरांडा फॉर सर्कम्बुलेंस अराउंड द सैंक्टम सेक्टोरियम, ठीक है। तो ये अराउंड द सैंक्टम सेक्टोरियम जो हम प्रदक्षिणा पथ करते हैं, ऐसे गोल गोल घूम के हम कुछ पूजा पाठ का एक हिस्सा होता है, उसको हम प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है, उसको हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, ठीक है। गर्भगृह के चारों परिक्रमा के लिए गैलरी नुमा बरामदा, तो ये परिक्रमा के लिए होता है। ओके, अब चलते हैं गुप्त काल के। ये हो गया आपके लिए कुछ टर्म्स थे, ठीक है, ये टर्म्स थे। अब मंदिर पढ़ने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी था, और आप हमने पढ़ लिया। अब आगे चलेंगे हम गुप्ता पीरियड के जो मैंने पीछे यहाँ पे बताया ना, यहाँ पे हमने देखा कि द रिमेन्स ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट बिगनिंग फाउंड फ्रॉम द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड से हमें स्टार्ट मतलब उसको मिलना हमें शुरू होते हुए दिखाई देता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। ये हमने देख लिया सारे टर्म्स, और इनके पिक्चर्स भी हमने देख लिए। ओके, यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा टर्म्स लिखे हैं, शिखर, कलश और ध्वज। ये क्या होता है? शिखर तो आपको पता चल गया, ये है जो उठी हुई ये लाइन है, ये ऐसी वाली, ये शिखर है। कलश क्या होता है? कलश और ध्वज, कलश ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ऐसे कुछ गोल फैसा बनाया हुआ कलश टाइप का स्ट्रक्चर, वो कलश होता है, ठीक है। इसके ऊपर एक ध्वज पताका रहता है,
कहीं कहीं पे ध्वज रहता है, कहीं पे त्रिशूल रहता है, कहीं पे चक्र रहता है, तो वो एक चिन्ह होता है, वो एक चिन्ह होता है। अगर शिव का टेम्पल है तो वहाँ पे त्रिशूल हो जाएगा या फिर चक्र हो जाएगा, है ना। कहीं कहीं पे सिर्फ ऐसे फ्लैग रहता है, तो ये होता है। आगे चलते हैं, डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेम्पल, ठीक है। मंदिर की विभिन्न शैलियाँ क्या होती हैं, अलग अलग स्टाइल के हम अलग अलग स्टाइल देखेंगे। तो सबसे पहले हमें अर्ली टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, कहाँ से, गुप्ता पीरियड से देखने को मिलते हैं, ठीक है, गुप्ता पीरियड से हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमें नागर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल और वेसर स्टाइल देखने को मिलते हैं। अब नागर स्टाइल हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, नागर स्टाइल नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में जितने टेम्पल हैं सब नागर स्टाइल के मिलेंगे आपको। द्रविड़ स्टाइल के साउथ इंडिया में देखने को मिलेंगे, ठीक है, द्रविड़ स्टाइल में साउथ इंडिया में देखने को मिलेंगे। बेसर स्टाइल, ये दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। कुछ उसके फीचर्स नागर स्टाइल के होंगे, कुछ फीचर्स उसके किसके स्टाइल के होंगे, द्रविड़ स्टाइल के होंगे, ठीक है। तो ये दोनों का मिक्सचर होता है हमारा बेसर स्टाइल। और ये कहाँ पर, बेसर स्टाइल में बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं मंदिर, यूजुअली हमें नागर और द्रविड़ के देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखो, अर्ली टेम्पल जो है उसको हम तीन फेजेस में बांट सकते हैं, ठीक है। जो अर्ली टेम्पल मिले थे हमें उसको हम तीन फेजेस में बांटते हैं, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज। अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फेज क्या है, इसको इसमें कुछ नहीं जानना है, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको पिक्चर के थ्रू समझ लेंगे। ये देखो, अर्ली टेम्पल्स हो गया, यहाँ पे दो और टर्म्स दिए गए हैं, सांधार और निरंधार, ठीक है। सांधार और निरंधार ये भी हम देख लेते हैं। सांधार और निरंधार मतलब क्या होता है, सांधार मतलब विदाउट प्रदक्षिणा पथ, यानी कि बिना प्रदक्षिणा पथ के होते हैं, निरंधार यानी कि विद प्रदक्षिणा पथ, यानी कि प्रदक्षिणा पथ के साथ। जिस मंदिर में प्रदक्षिणा पथ है उसको निरंधार कहेंगे, जिस मंदिर में प्रदक्षिणा पथ नहीं है उसको सांधार कहेंगे, ठीक है। अब प्रदक्षिणा पथ क्या होता है मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट फेज के टेम्पल हमें कैसे दिखाई देते, एकदम सिंपल दिखाई देते हैं, एकदम सिंपल, ठीक है। उसके कुछ एग्जांपल है, एक है एरन टेम्पल जो मध्य प्रदेश में है, विष्णु टेम्पल ऑफ तिगवा ये भी एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। आप देखो पिक्चर से देखने को मिल रहा होगा, एकदम सिंपल ये टेम्पल है, इसमें कुछ नहीं किया गया है, ना इसमें आपको मंडप दिखाई दे रहा है, ना आपको जगती दिखाई दे रहा है, ना यहाँ सीढ़ी से चढ़ना है, ना इसके ऊपर शिखर है, ना प्रदक्षिणा पथ है, कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। बस सिंपल से इसको ऐसे पिलर, चार पिलर पर जोड़ के बना दिया गया था, ठीक है। इनकी जो छत है वो एकदम फ्लैट है, ये छत एकदम फ्लैट है, ठीक है, फ्लैट दिख रही है आपको। और ये सामने एक छोटा सा एक मंडप टाइप का बना दिया गया है, जो आगे चल करके हम मंडप को देखेंगे कि अलग तरीके से बनते हुए हम आगे देखेंगे, ठीक। तो ये है आपका छोटा सा सिंपल एकदम मंदिर, जो कि फर्स्ट फेज का है। इसमें भी कुछ नहीं आपको याद करना है, बस समझ लो कि मंदिर कैसे बनना शुरू हुआ। तो सबसे नागर और बेसर या फिर द्रविड़ स्टाइल से पहले हम अर्ली टेम्पल्स देखते हैं। अर्ली टेम्पल्स में भी हम तीन फेजेस देखते हैं, ये एकदम सिंपल। अब देखो सेकंड फेज का टेम्पल क्या है, वो उसमें प्रदक्षिणा पथ हमें दिखाई देने लगता है। जो सेकंड टेम्पल बनेगा फेज का, उसमें प्रदक्षिणा पथ दिखाई देता है। ये देखो, ये मेगुती का जैन टेम्पल है। ये मेगुती का जैन टेम्पल किसने बनवाया था, ये बनवाया था पुलकेसिन सेकंड ने। किसने, पुलकेसिन सेकंड ने बनवाया था, ठीक है। और ये है एहोल टेम्पल ऑफ लद्दाख। तो ये और ये दोनों एक ही, मतलब एक ही डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, मेगुती और एहोल टेम्पल ऑफ लद्दाख, ठीक है। इन ये दोनों हो गए। और एक है नचना कुठार टेम्पल, ठीक है, नचना कुठार टेम्पल। तो ये जो तीनों टेम्पल्स हैं ये सेकेंड फेज के टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। इनमें तीनों का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया है। इसका फीचर क्या है, प्रदक्षिणा पथ है, ठीक है। प्रदक्षिणा पथ यानी कि ये देखो मंदिर है, ठीक है, ये अंदर गर्भगृह है और इसके चारों तरफ ऐसे घूमने के लिए सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सर्कुलर पाथ जो होता है वो प्रदक्षिणा पथ होता है। तो यहाँ पे हमें एक प्रदक्षिणा पथ का फीचर दिखाई दे रहा, ओके। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे तो धीरे धीरे एक शिखर हमें दिखाई देता है, शिखर है थोड़ा सा, पर आगे हम देखेंगे कि ये सेकेंड का क्या है फीचर, प्रदक्षिणा पथ हमें दिखाई देने लगा। अब देखो जो थर्ड फेज का टेम्पल है ना, उसमें हमें शिखर दिखाई देने लगता है, क्या शिखर। अच्छा मैं यहाँ पे बता दूँ कि शिखर और विमान दो टर्म आते हैं, दोनों एक ही चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, पर वो अलग अलग रीज़न में होते हैं। अगर हम शिखर की बात करें ना, तो शिखर ये आपका है, देखो ये शिखर यहाँ पे बनना शुरू हुआ, अभी उतना अच्छा से नहीं दिखाई देगा आपको शिखर, मतलब ऊपर जा करके इसमें कुछ नहीं है, ना कलश बनाया गया है, ना ध्वज है, कुछ नहीं है,
ठीक है, यहाँ पे भी देखो धीरे से मतलब छोटा सा एक शिखर बनाया गया है। मैं बता रही शिखर और विमान कहाँ पे यूज होते हैं, ये दो टर्म। विमान जो है, विमान भी शिखर ही होता है, लेकिन वो विमान किसको कहते हैं हम, जो साउथ इंडिया के मंदिरों के शिखर मिलते हैं ना, उसको हम विमान कहते हैं, और जो नॉर्थ इंडिया के मंदिर के शिखर बनते मिलते हैं उसको हम शिखर कहते हैं। तो शिखर और विमान में नहीं कन्फ्यूज होना है, शिखर विमान एक ही चीज़ है। शिखर आपका ऐसे कर्वीलिनियर शेप में होता है और विमान आपका इस तरीके से होता है, पिरामिड शेप में। ठीक है, पिरामिड शेप में होता है आपका। चलिए, तो ये थर्ड फेज का क्या फीचर था, शिखर बनने हमें शुरू हो जाते हैं। अब देखो नागर स्टाइल के टेंपल यानी कि नॉर्थ स्टाइल टेंपल क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। ये जो टेंपल है आपके अलग अलग क्रम में बनाए गए हैं। ठीक है, अलग अलग क्रम में मतलब कि पहले इसमें जगती बनाया गया, ठीक है, इसके बाद मसूरक बनाया गया यानी कि द पार्ट बिटवीन द फाउंडेशन एंड द वॉल। इसके बाद जंघा बनाया गया, जंघा मतलब कि वॉल है, जो मंदिर है मंदिर का वॉल जंघा कहलाएगा। बॉडी क्या है, अब देखो यहाँ पे आपको ये जंघा बॉडी नेक, तो ये जैसे हम लोग की मानव मतलब ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, वैसे ही मंदिर को जो बनाया गया ना उसका भी सेम वैसे ही नाम दिया गया है कि मंदिर का जंघा कैसा होना चाहिए, उसका बॉडी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद सर्वाइकल है, द पार्ट ऑफ द वर्टेक्स वेयर लाइंस बेंड इनवर्ड्स। फिर इसके बाद मस्तक है, मस्तक यानी कि जो हमारा ये खोपड़ी है वैसे ही मंदिर का भी एक होता है मस्तक वैसे। फिर आगे यष्टि मिलता है और उसके सबसे बाद में फ्लैग मिलता है हमें। कहीं कहीं पे फ्लैग मिलता है, कहीं कहीं पे अलग अलग सिंबल्स मिलते हैं, जैसे चक्र मिल गया, कहीं पे दूसरा कुछ त्रिशूल मिल गया। ओके, तो ये कुछ पार्ट्स हैं, ये भी आपको नहीं याद करना है, बस आपको समझ लेना कि अगर एक मंदिर बनाया जाता है तो मंदिर के मंदिर बनाया कैसे जाता है। ठीक है, उसके कैसे अलग अलग पार्ट्स उसमें जोड़े जाते हैं और उनके अलग अलग नाम होते हैं, बस ये बताने का मतलब एक ही था। ओके, अब इस जितने भी ऐसे आपने अभी टर्म देखे, जो भी वर्ड है, इसको हम पिक्चर्स में देख लेंगे कि क्या कहलाता है। ठीक है, अब देखो जगती यानी कि प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो जगती यानी कि प्लेटफॉर्म जो सबसे नीचे है, ये देखो सबसे नीचे वाला ये आपका जगती यानी कि प्लेटफॉर्म है। अब इस पर चढ़ने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, सोपान या फिर सीढ़ी या फिर स्टेयर्स, आप कुछ भी बोल लीजिए। ओके, इसके बाद क्या है, इसके बाद है मसूरक, द पार्ट बिटवीन द फाउंडेशन एंड द वॉल। ठीक है, वॉल जो ये आपका मंदिर का वॉल जो शुरू हो रहा है, वॉल और फाउंडेशन के बीच का जो हिस्सा होता है, जो पार्ट होता है, वो मसूरक कहलाता है। यानी कि ये वाला पार्ट आपका क्या होगा, ये वाला पार्ट आपका मसूरक होगा, राइट। आगे जंघा यानी कि वॉल, जंघा यानी कि वॉल, ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है ना वॉल, जंघा ये होता है आपका, जंघा बोल लीजिए या फिर वॉल बोल लीजिए। ओके, फिर क्या है, बॉडी है राइजिंग पार्ट ऑफ द पिनाकल। ठीक है, राइजिंग पार्ट ऑफ द पिनाकल, बॉडी शरीर शिखर का उठता भाग, ये जो शिखर तक का उठा हुआ भाग है ये वाला, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपकी बॉडी हो जाएगी पूरी। ठीक है, ये आपकी पूरी बॉडी हो जाएगी। इसके बाद ग्रीवा, ग्रीवा यानी कि जो हमारा गर्दन है इसको ग्रीवा भी बोलते हैं। ठीक है, तो बॉडी क्या हो, टेंपल की बॉडी जो जहाँ से शिखर ऊपर उठ रहा है वो वहाँ तक बॉडी हो गई। इसके बाद जैसे हमारा गर्दन है ग्रीवा, वैसे ही मंदिर का भी बनाया गया है सर्वाइकल, और वो क्या है, जहाँ से शिखर ऐसे अंदर की तरफ मुड़ रहा है। ठीक है, जहाँ से शिखर यहाँ से शुरू होगा अंदर की तरफ कर्वीलिनियर शेप में मुड़ता हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये क्या हुआ, ये हुआ आपका ग्रीवा, जैसे हमारा गर्दन है। वैसे ही आगे चलते हैं मस्तक, यानी कि जो हमारा ये मस्तक है मुंडी, वैसे मंदिर का भी होता है, और इसमें अपर पार्ट ऑफ दिस समिट। ठीक है, जो सबसे ऊपरी भाग होता है शिखर का वो होता है मस्तक। यष्टि दंड और पताका, यष्टि यानी कि ये जो दंड होता है जिसमें ऐसे पताका लगा होता है। ठीक है, अभी ये शिखर में पूरा आपको स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा, इसके अलग अलग अभी पताका से नीचे भी ऐसे इस तरीके से कलश जैसे बने होते हैं, फिर इस तरीके से एक खपुरी बना होता है, खपुरी एक टर्म होता है, वो डिटेल में अगर आपको फिर मास्टर्स करना होगा आर्ट एंड आर्किटेक्चर में तब आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझ लो ये सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग मंदिर बनता है, मतलब मंदिर बनेगा तो मंदिर के अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक कुछ नहीं रटना था आपको, बस समझ लेना था कि कैसे मंदिर बनना शुरू हुआ और मंदिर के कौन कौन से अलग अलग पार्ट्स हैं।
आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे कई बार पंचायतन मंदिर भी हमें देखने को मिलता है, पंचायतन टेम्पल। पंचायतन टेम्पल क्या है? पंचायतन टेम्पल मतलब कि मान लो एक मेन मंदिर ये है गर्भगृह, और इसके ऊपर आपके शिखर है। अब इसके चारों कोनों पे एक छोटे छोटे चार मंदिर हमें दिखाई देंगे, तो उसको हम पंचायतन स्टाइल के टेम्पल बोलेंगे। ठीक है, ये आपका मेन मंदिर है, मेन श्राइन है इस गर्भगृह में। इसका एक बड़ा सा शिखर है और इसके चारों तरफ चार छोटे छोटे मंदिर अगर हमें दिखाई देते हैं तो ये पंचायतन स्टाइल के मंदिर होंगे। एक, दो, तीन, चार और ये पांच, पांच मंदिर मिले। चलो ये और कुछ नहीं था, बस पंचायतन मतलब कि पांच होता है, पांच मंदिर, एक जो मेन श्राइन है और उसके आसपास चारों कोने पे चार मंदिर है। ठीक है, दे हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन अ हाई पेडेस्टल, दिस इज कॉल्ड जगती। एक ही जगती पे लेकिन ये सब बना होता है। ठीक है, एक एक ही जगती, एक ही प्लेटफॉर्म पे ये पांचों मंदिर बना होगा। इसमें भी कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं याद करना है, आगे चलते हम लोग। अब देखो जो नागर स्टाइल हमने पढ़ा ना, नागर स्टाइल के फीचर्स क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या हैं वो हम देखेंगे। इसके फीचर्स हैं नो बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज। नागर स्टाइल में आपने कोई भी मंदिर ऐसा नहीं देखा हो जिसके कोई बाउंड्री वॉल हो, वो इसके फीचर नहीं है। बाउंड्री वॉल अगर हो या फिर उसके बड़े बड़े गेटवेज हो, ये किसके फीचर हैं? ये द्रविड़ स्टाइल के टेंपल के फीचर्स हैं। ठीक है, उनके जो गेटवेज होते हैं, उनका जो एंट्री गेट होता है बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और उनका बाउंड्री वॉल भी बहुत बड़ा होता है, पर ऐसा नागर स्टाइल में हमें देखने को नहीं मिलता है। अब हम पढ़ेंगे, देखो नागर स्टाइल में भी ना अलग अलग सब डिविजन्स हमें दिखाई देते हैं। अलग अलग सब डिविजन्स क्या है कि नागर स्टाइल तो ठीक है, ओवरऑल हमने बोल दिया कि नागर स्टाइल के टेम्पल्स हैं, पर उसमें भी हमें तीन तरीके के अलग अलग सब डिविजन देखने को मिलते हैं। एक है रेखा प्रसाद, एक है फामसना और एक है वल्लभी स्टाइल। रेखा प्रसाद, फामसना और वल्लभी स्टाइल क्या है, ये तीनों पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा। देखो रेखा प्रसाद कर्वी लीनियर, ठीक है, कर्वी लीनियर, ये धीरे धीरे अंदर की तरफ झुकता हुआ जा रहा है ये। ठीक है, और ये आपका कलश हो जाएगा बड़ा सा, इसके ऊपर एक, और इसके ऊपर ये आपका ध्वज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फमसाना क्या है, फमसाना क्या है, फमसाना भी ऐसे कर्वी लीनियर ही है, लेकिन ये रेखा प्रसाद से मच ज़्यादा ब्रॉडर रहता है, ब्रॉडर और शॉर्टर रहता है। ठीक है, ब्रॉडर एंड शॉर्टर देन दिस रेखा प्रसाद। ठीक है, रेखा प्रसाद स्टाइल टेम्पल, तो ये आपका फमसाना हो गया। अब वल्लभी स्टाइल क्या है, वल्लभी स्टाइल आपके इस तरीके से होता है, जैसे चैत्य आपने देखा होगा, चैत्य स्तूप, ये बुद्धिज्म का जो बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर होता है उसमें चैत्य और बुद्ध, चैत्य और स्तूप आते हैं। तो ये जो वल्लभी स्टाइल है इसमें चैत्य जैसे कुछ फीचर्स हमें दिखाई देते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये तो एकदम ये टोटली डिफरेंट है इन सब से, दोनों से। तो एक हो गया आपका रेखा प्रसाद, एक हो गया फमसाना और एक हो गया वल्लभी स्टाइल। ये तीनों किसके सब डिविजन्स है, ये तीनों आपके नागर स्टाइल के ही टेम्पल के अलग अलग सब डिविजन्स है। आगे चलते हैं, अब हम सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं। देखो सेंट्रल इंडिया में भी जितने हमें टेम्पल्स मिलते हैं वो नागर स्टाइल के ही टेम्पल देखने को मिलते हैं, और इसमें जो हमें पढ़ना है और इसमें जो आपको अलग से कुछ समझना है वो बस समझ लेना है कि जो सेंट्रल इंडिया के टेम्पल में हमें शिखर देखने को मिलते हैं उसको हम देउल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, देउल कहते हैं। और बेसिकली वो उड़ीसा वाला जो पार्ट है ना, उड़ीसा वाले पार्ट में ये सारे मंदिर आते हैं, तो उस भर के जो मंदिर हैं उसमें जो शिखर होता है उसको देउल कहा जाता है। तो अब देखो शिखर के लिए आपके आपके सामने तीन वर्ड्स अभी तक आ गए हैं, क्या आ गए, एक हो गया आपका देउल, एक हो गया आपका शिखर और एक हो गया आपका विमान। ठीक है, विमान, विमान कहाँ पे, साउथ में यूज़ होता है, ये साउथ के लिए टर्म यूज़ होता है। शिखर कहाँ पे, ये नॉर्थ के लिए यूज़ होता है। और देउल कहाँ पे, ये उड़ीसा वाले रीजन में जो कि सेंट्रल इंडिया में आता है, तो ये उस वाले रीजन के लिए, शिखर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तो यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं मंडपा कॉल्ड जगमोहन इन उड़ीसा। अब जो मंडप है, जैसे मंडप हमने नॉर्थ स्टाइल में देखा था, नागर स्टाइल में, उसमें मंडप को मंडप कहा जाता था, पर यहाँ पे जगमोहन कहा जाएगा। ठीक है, अगर जगमोहन आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है तो जगमोहन मतलब क्या होगा, जगमोहन मतलब ही मंडप होगा। ठीक है, मंडप, ओके। तो इसमें भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि जगमोहन मतलब क्या होता है, ये मंडप ही होता है।
अभी ये जो सेंट्रल इंडिया यानी कि जो उड़ीसा वाला या फिर सेंट्रल इंडिया का पार्ट है उसके मेजर साइट्स क्या हैं जहाँ से ऐसे टेम्पल्स हमें मिलते हैं, वो है आपका एंशंट कलिंगा, मॉडर्न पुरी डिस्ट्रिक्ट, भुवनेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, पुरी और कोणार्क है, ठीक है, पुरी नहीं पुरी है ये, ओके। तो ये कुछ जो मेजर साइट्स हैं ये यहाँ से हमें सेंट्रल इंडिया के जो ऐसे वाले ईस्ट फीचर्स वाले यानी कि जहाँ पे मंडप को जगमोहन कहा जाता है, जहाँ पे शिखर को देउल कहा जाता है, वो सारे आपके टेम्पल्स मिलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे देख लेंगे। अब देखो ये जो सबसे फेमस यहाँ का एक ग्रुप ऑफ टेम्पल है वो खजुराहो, खजुराहो बहुत अच्छा टेम्पल है और ये एमपी में है, आपको कभी समय मिले तो आप जाके घूम के आइएगा, ठीक है। ये किसने बनवाया था खजुराहो के टेम्पल को, तो ये जो टेम्पल है इसको चंदेल किंग्स ने बनवाए थे, ठीक है, चंदेल किंग्स ने इन 10th सेंचुरी CE में बनाया गया था। इसके कुछ अलग अपने फीचर्स हैं, ठीक है, खजुराहो टेम्पल्स के क्या है, तो इसमें इरोटिक स्कल्पचर है, इरोटिक एक्सप्रेशन है, ओके। इसके अलावा मिथुन स्कल्पचर है, तो ये ऐसा मतलब ये ऐसा एक टेम्पल है जहाँ पे इस तरीके का डिपिक्शन किया गया है, ठीक है, इस तरीके का वहाँ पे डिपिक्ट किया गया है, डिपिक्शन मतलब कि वहाँ पे चित्रकारी की गई है, वहाँ पे मूर्ति ऐसे बनाए गए हैं, ओके, जहाँ पे इरोटिक एक्सप्रेशन आपको दिखाई देंगे, इरोटिक स्कल्पचर दिखाई देंगे, मिथुन स्कल्पचर आपको दिखाई देंगे। फिर है लक्ष्मण टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल भी खजुराहो का ही एक, खजुराहो जो ग्रुप टेम्पल है उसी का एक टेम्पल है। अब देखो लक्ष्मण टेम्पल है पर इसमें विष्णु को डेडिकेट किया गया है, ठीक है, ये टेम्पल विष्णु को डेडिकेटेड है। इसके बाद कांदरिया महादेव टेम्पल, ये भी इसी का पार्ट है, खजुराहो का ही कांदरिया महादेव टेम्पल। 64 योगिनी टेम्पल, ये भी कांदरिया उस खजुराहो में ही है। अब आते हैं हम सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, ये एक अलग है कोणार्क का सन टेम्पल, और एक है पुरी का जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है। अब ये दोनों भी सेंट्रल इंडिया में ही आते हैं और इनके आपको जान लेना है कि किसने बनवाए थे, क्योंकि यहाँ से अब आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए याद करना पड़ेगा कि कौन से टेम्पल किसने बनवाए थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ फेमस टेम्पल्स है बस उसी को याद करना है। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क किसने बनवाया, नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था, ठीक है, नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। और जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी किसने बनवाया, अनंत वर्मा चोंड गंग, ठीक है, तो ये गंग डायनेस्टी के थे जिन्होंने बनवाया है, और ये दोनों के नाम हैं, आपको दोनों के नाम याद रखने हैं, दोनों ने दोनों अलग अलग टेम्पल बनवाए हैं, ओके। ये देखिए आपका खजुराहो का लक्ष्मण टेम्पल है, ये कांदरिया महादेव टेम्पल है, और ये भी एक खजुराहो का एक टेम्पल है। अब देखो अभी तक हमने नॉर्थ इंडिया पढ़ा, नॉर्थ इंडिया में हमने अलग अलग पढ़ा कि नॉर्थ इंडिया में नागर स्टाइल के टेम्पल आते हैं, नागर स्टाइल में अलग अलग 3 सब डिवीज़न हमने देखा, फामसाना, वल्लभी और रेखा प्रसाद, ओके। इसके बाद फिर हमने देखा कि नागर स्टाइल के ही अंतर्गत सेंट्रल इंडिया में कुछ मंदिर बनाए गए हैं जिनमें 2-3 टर्म्स अलग अलग यूज़ होते हैं, जैसे अगर मंडप है तो मंडप को जगमोहन कहा जाता है, अगर शिखर है तो उसको देउल कहा जाता है, तो अगर आपको दिखाई दे रेखा देउल तो ऐसा नहीं समझना है कि भाई रेखा देउल क्या है, वो रेखा देउल मतलब कि जैसे हमने रेखा प्रकार देखा ना, नागर शैली का एक सब डिवीज़न था, वैसे ही रेखा शिखर हो सकता है, देउल का मतलब शिखर होता है। अब देखो द्रविण स्टाइल में हम साउथ इंडिया के जितने टेम्पल्स हैं उसके फीचर्स देखेंगे, इसमें क्या चीज़ें होती हैं, इसमें भी चीज़ें, इसमें जो चीज़ हैं टर्म्स हैं उसके नाम बदले हुए हैं, भोग मंडप, मंडप गर्भगृह, नंदी मंडप, महामंडप, ओके। तो ये अलग अलग, जैसे हमने नॉर्थ स्टाइल में देखा था मंडप था 3, मंडप, अर्ध मंडप, महामंडप, ओके। तो यहाँ पे बस इसका नाम बदल दिया गया है, नंदी मंडप, भोग मंडप, और नंदी मंडप, भोग मंडप बस। अब इसमें अब ये नहीं समझना कि ये मंडप आ गया इतने सारे, इसमें क्या क्या होता है या फिर इसको याद करना पड़ेगा, नहीं, बस नाम जान लो और जान लो कि ये चीज़ साउथ में जाके बदल रही है, ओके। आगे चलते हैं, ये देखो सेम, ओके, ये जो है ये गोपुरम है, हमने नॉर्थ इंडिया में पढ़ा था ना कि नॉर्थ इंडिया के फीचर्स में अगर हम देखें तो उसमें नो गेटवेज हैं, नो बाउंड्री वॉल्स हैं, पर अगर साउथ इंडिया के फीचर्स देखेंगे मंदिर के, उसमें बाउंड्री वॉल भी मिलेगी आपको, गेटवेज भी मिलेंगे, और ये देखो इतना बड़ा, ये ऑलमोस्ट बराबर शिखर विमान के बराबर या फिर उससे थोड़ा सा ये शिखर लंबा होता है, ऑलमोस्ट उतना ऊंचा हमें गोपुरम दिखाई देता है। गोपुरम क्या है, गोपुरम प्रवेश द्वार को ही कहा जाता है, ठीक है, एंट्री गेट है उसी को, एंट्री गेट को ही गोपुरम कहा जाता है,
ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जो गोपुरम गाय जो है काऊ, उससे लिया गया एक वर्ड है, ठीक है। जैसे गाय का ऐसे पांव होता है ऐसे, इस तरीके से, उसी तरीके से गेटवे का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इस तरीके से मिलता है, इसलिए उसको बताया जाता है, ठीक है। उल्टा कर देंगे तो ऐसे होगा, ठीक है। ये देखिए, ओके, तो ये आपका गोपुरम हुआ। गोपुरम एंट्री गेट को कहा जाता है, काफ़ी विशाल होता है। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि हमने देखा कि नॉर्थ इंडिया के जो नागे स्टाइल के टेम्पल है उसमें बाउंड्री वॉल नहीं देखने को मिलते हैं, पर साउथ इंडिया में बाउंड्री वॉल देखने को मिलते हैं। एक किस्सा यहाँ पे ये भी है कि अगर साउथ इंडिया में आप टेम्पल्स देखेंगे तो एकदम एक बड़ा सा टेम्पल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मतलब कि उसमें बहुत सारे टेम्पल्स आ जाएंगे, बहुत सारे बाउंड्री वॉल्स आ जाएंगे, बहुत सारे गोपुरम आ जाएंगे। मान लो कि एक आया नंदीवर्मन करके एक राजा है, ठीक है, नंदीवर्मन फर्स्ट उसको कर देते हैं। उसने आया और उसने इस मंदिर को बनवाया, ठीक है, उसने इसका गर्भगृह बनवाया, इसके ऊपर विमान बनाया, ओके। यहाँ पे विमान से मैं बता दूँ, शिखर में अब तक हमने कर्विलिनियर देखा था, इस तरीके से मुड़ते हुए अंदर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सीधे पिरामिडिकल शेप की तरह इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये हुआ शिखर और विमान में डिफरेंस होता है, ओके। चलिए, तो उसने गर्भगृह बनवाया, मेन श्राइन इसमें स्थापित करवा दिया, उसने इसके ऊपर विमान बनवा दिया और आगे चल करके इसने गोपुरम बनवा दिया, और बीच में जो मंडप, महामंडप और जो नट मंडप, भोग मंडप है उसने बनवा दिया। उसके बाद उसका बेटे आया नरसिंह वर्मन सेकेंड, कर लेते उसका नाम, ठीक है। नरसिंह वर्मन सेकेंड आया, उसको दिखाना था कि भाई मेरी प्रजा जाने कि हम भी बहुत शक्तिशाली हैं, तो हम इससे भी बड़ा मंदिर बनवाएंगे। लेकिन वो और कहीं ना जा करके इसी जगह पे बनवाएगा। वो क्या करेगा, एक और दोबारा से ऐसे बाउंड्री वॉल बनवाएगा इस मंदिर के बाहर, और बाउंड्री वॉल बनवा करके उसने गोपुरम को इससे भी ऊँचा बना दिया। चलो, ये हो गया उसका गोपुरम, ठीक है। ये उसका गोपुरम, ये गाय का जो पांव है उसका उल्टा वाला हिस्सा ऐसे दिखता है, इसलिए इसको गोपुरम कहा जाता है। उसने बनवा दिया। अब इसने जो बाउंड्री बनवाए हैं ना, बाउंड्री वॉल्स, उसमें अलग अलग छोटे छोटे और टेम्पल्स बनवा देंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर इसका बेटा आया, मान लो नंदीवर्मन थर्ड आया, वो क्या करेगा, बोलेगा कि हमारी जनता हमको भी ज़्यादा शक्तिशाली समझे, वो आकर के दोबारा से बाउंड्री वॉल बनवाएगा, और उसने अपना गोपुरम इससे भी लंबा बनवा दिया, ठीक है। तो साउथ में जो टेंपल कॉम्प्लेक्स है, कई दफ़ा आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, बहुत सारे उसमें मंदिर हैं और बहुत से एक से बढ़ के एक बड़ा बड़ा जो है उसमें गोपुरम दिखाई देता है। तो साउथ में इस तरीके से बनता था, ठीक है। आगे चलते हैं, गोपुरम आपको समझ में आएगा। गोपुरम काफ़ी बड़ा होता है, एकदम विशाल। ये शिखर विमान हो गया आपका, और ये बीच के आपके मंडप और जगमोहन, जग मंडप और नट मंडप हो गए। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो अभी कई सारे लोग अभी BHU में पढ़ते भी होंगे, जो मास्टर्स की तैयारी के लिए देख रहे होंगे, या फिर जो जिन्होंने देखा भी होगा, तो यहाँ पे जो कैंपस का VT है ना, विश्वनाथ टेंपल, इसका जो इसमें आपने देखा होगा, ये नॉर्थ स्टाइल का टेंपल है, लेकिन इसके बाहर में बाउंड्री वॉल्स बनाई गई हैं, ठीक है। बाउंड्री वॉल्स भी और एक छोटा सा गेटवे भी है, अगर आप मंदिर गए होंगे तो। तो ये जो फीचर है ये साउथ इंडिया से लिया गया है, द्रविड़ स्टाइल का फीचर है जो इसमें डाला गया है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एक और फीचर डाला गया है, जो इसमें वाटर टैंक बनाया गया है मैन मेड, ठीक है। उसमें जाके बच्चे क्या करते हैं, उसमें गेंडा बनाया गया, सब जाके उस पर खेलते हैं, सेल्फी लेते हैं। तो वो भी किसका फीचर है, वो भी नॉर्थ स्टाइल का नहीं है, नागे स्टाइल का फीचर नहीं है, वो भी द्रविड़ स्टाइल का फीचर इसमें डाला गया है। तो ये एक टेम्पल है कॉम्प्लेक्स, जिसमें साउथ और नॉर्थ दोनों का मिक्सचर बनाया गया है, ठीक है। क्योंकि इसमें हमें अभी याद आया गेटवे और बाउंड्री वॉल से, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये देखो बड़े बड़े गोपुरम हैं यहाँ पे, और ये बहुत सुंदर सुंदर गोपुरम बनाए जाते हैं, इस पर छोटे छोटे मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। इसके फीचर्स और देख लो कि इसका पिरामिड शेप का विमान होता है, शिखर होता है, ये राइजेज अप ज्योमेट्रिकल रादर देन द कर्विंग शिखरा, कर्विंग शिखर वही आपका नॉर्थ इंडिया वाला शिखर है, और ये ज्योमेट्रिकल में उठता है आपका। लार्ज वाटर रिजर्वॉयर या फिर टेंपल टैंक होता है इसका अपना, जो कि नॉर्थ इंडिया में आपको नहीं दिखाई देता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो जो द्रविड़ स्टाइल है, द्रविड़ स्टाइल में अलग अलग जो है डायनेस्टीज हैं, उन लोगों ने अपना टेंपल बनाया है, वो उसी द्रविड़ स्टाइल में आते हैं। जाहिर सी बात है, जो साउथ इंडिया में जिन्होंने रूल किया है वो मंदिर बनाएंगे, तो उनका द्रविड़ स्टाइल में ही आएगा।
तो एक है पल्लव स्टाइल टेम्पल, ये देख लेते हैं। पल्लव स्टाइल टेम्पल में हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, एक है रॉक कट और दूसरा है स्ट्रक्चरल। रॉक कट और स्ट्रक्चरल मतलब क्या होता है, रॉक कट में भी दो राजा हैं, उन्होंने दो अपना मतलब दो राजा है उन्होंने अपने टाइम पीरियड में मंदिर बनवाया तो वो रॉक कट में आ गया। फिर उसके बाद दो और राजा हैं जिन्होंने अपना उस टाइम पीरियड में मंदिर बनाया तो वो स्ट्रक्चरल में आ गया। इसके अपने अलग अलग फीचर्स हैं, उतना डीप में अभी भी नहीं जाना है आपको। तो जो रॉक कट है उसमें महेंद्र शैली और नरसिम्हा शैली, फिर मैं यहाँ पे बता दूँ ये जो नाम है मतलब महेंद्र स्टाइल या फिर नरसिम्हा स्टाइल, ये क्या स्टाइल है ये भी नाम नहीं समझना है। ये महेंद्र जो वर्मन है, महेंद्र वर्मन पल्लव रूलर, वो जितना मंदिर बनवाया अपने तरीके से उसके मंदिर को महेंद्र स्टाइल कह दिया गया। नरसिम्हा या नरसिंह वर्मन पल्लव रूलर, उसने जो अपना मंदिर बनवाया उसके मंदिर को नरसिम्हा स्टाइल कह दिया गया। और जितने अभी तक ये चार पढ़ेंगे ना आप, चारों के मंदिर आप देखेंगे एकदम अलग अलग हैं, ठीक है। किसी ने चैत्य जैसा मंदिर बनवाया, किसी ने रथ जैसा मंदिर बनवाया, ठीक है, किसी ने काफ़ी बड़ा विशाल गोपुरम वाला विमान वाला मंदिर बनवाया। तो ये अलग अलग मंदिर है अलग अलग स्टाइल के। यहाँ पे देखो राजसिम्हा स्टाइल में दो मंदिर आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। राजसिम्हा मतलब कि राजसिम्हा जो था पल्लव रूलर, उसने कौन से मंदिर बनाया, उसने कांची का कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था, ठीक है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर। ओके, यहाँ पे फिर मैं बता दूँ कि कैलाशनाथ मंदिर आगे भी आने वाला है, पर वो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर होगा, ठीक है। एलोरा में एक केव टेम्पल्स है ना, तो उसका जो केव नंबर 16 है, ठीक है, केव नंबर जो 16 है उसमें कैलाश टेम्पल है जिसको कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया था, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। तो कैलाशनाथ टेम्पल से आप कंफ्यूज मत होना, एक कांची में भी है और एक एलोरा में भी है, ठीक है। तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया, ये राजसिम्हा स्टाइल का है, तो जाहिर सी बात है राजसिम्हा ने ही बनवाया होगा। इसके बाद बैकुंठ का पेरुमल मंदिर, ये विष्णु को डेडिकेटेड है, बैकुंठ का पेरुमल मंदिर किसने बनवाया, ये भी राजसिम्हा स्टाइल में आता है, तो जाहिर सी बात है राजसिम्हा ने बनवाया होगा, ठीक है। तो ये दोनों स्टाइल के मंदिर हैं, और इसको किसने बनवाया, नरसिंह वर्मन के समय शुरू हुआ था, इसके समय शुरू हुआ था, पर इसको ख़त्म किसने करवाया, इसने ख़त्म करवाया राजसिम्हा ने, इसीलिए इसके कैटेगरी में आता है ये मंदिर। इसके बाद जो सबसे लास्ट है वो है नंदी वर्मन स्टाइल, ठीक है। नंदी वर्मन स्टाइल यानी कि जो नंदी वर्मन नाम का रूलर था उसके समय का सबसे लास्ट है। तो इसमें क्या समझना है, इसमें भी मत घबराओ कि पूरा याद करना है, नहीं, बस समझना है कि पल्लव स्टाइल के टेम्पल हैं तो उसको बहुत सारे टेम्पल्स मिले, तो उसमें उन लोगों ने क्या किया, जो बाद में स्कॉलर्स वगैरह आए उन्होंने दो कैटेगरी बांट दी, रॉक कट और स्ट्रक्चरल। रॉक कट में भी हमें दो राजाओं के मिलते हैं, स्ट्रक्चरल में भी हमें दो राजाओं के मिलते हैं, बस। और जो याद करना था वो ये याद करना था, कांची का कैलाश मंदिर और बैकुंठ पेरुमल का विष्णु टेम्पल, ये दोनों इस स्टाइल के टेम्पल हैं, याद रखना। ये देखो महेंद्रा स्टाइल के टेम्पल कैसे हैं, ठीक है, ये कैसे दिख रहे हैं आपको, इसमें कहीं शिखर विमान दिख रहे हैं, नहीं ना, ये चैत्य स्टाइल मतलब इसमें बुद्धिज्म का हमें इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, बुद्धिज्म बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का। ये है आपके नरसिम्हा स्टाइल मतलब ये जो दूसरे वाले आए इन्होंने ऐसा बनवाया, देखो जो पहले वाला है इन्होंने सीधे सीधे ऐसे रॉक कट बनवा दिया, मतलब कि पत्थर काटा और सीधे उसको रख करके उसके ऊपर थोड़ा चैत्य जैसा सजा के मंदिर बनवा दिया और कुछ नहीं किया। जो दूसरे वाले आए नरसिम्हा, इन्होंने भी रॉक कट करवाया है, इन्होंने रॉक लिया और उसको उन्होंने रथ जैसा मंदिर बनवाया छोटे छोटे, ठीक है। तो ये है आपका महेंद्र स्टाइल, ये है आपका नरसिम्हा स्टाइल, ये आपके देख लीजिए छोटे छोटे मंदिर हैं, ये रथ हैं। इसमें जो सबसे बड़ा रथ होता है, सबसे बड़ा रथ वो कौन सा रथ है, युधिष्ठिर रथ है, और जो सबसे छोटा रथ है वो द्रौपदी रथ है, ठीक है, वो द्रौपदी रथ है। ये जो यहाँ पे इन्होंने रथ बनवाया था ना, ये रथ पांडवों के नाम पर बनवाया था, ठीक है, पांडव जैसे नकुल सहदेव भीम अर्जुन द्रौपदी उनकी पत्नी, तो उन युधिष्ठिर, तो उन लोगों के नाम से उन्होंने बाकी यहाँ पे जितने रथ बनवाए उन्होंने बनवाए हैं, और उस रथ में जो सबसे छोटा रथ है वो द्रौपदी है और जो सबसे बड़ा है वो युधिष्ठिर रथ है। इसके अलावा और कुछ नहीं जानना है आपको, आगे चलते हैं। ये है राजसिम्हा स्टाइल के टेम्पल्स, देखो राजसिम्हा स्टाइल के टेम्पल्स काफ़ी बड़े हैं, इसमें आपका राजसिम्हा स्टाइल के टेम्पल्स में शोर टेम्पल भी आ जाएगा, तो अगर पूछता है कि शोर टेम्पल किसने बनवाया है तो राजसिम्हा ने बनवाया है, और वो राजसिम्हा स्टाइल में आता है यानी कि स्ट्रक्चरल में आता है। आई होप आपको ये कलर दिख रहा होगा, मैंने लिखा है पर आई एम नॉट श्योर कि आपको दिख रहा होगा अभी।
ओके, तो ये शोर टेम्पल है, ये आपका शोर टेम्पल है और ये आपका वैकुंठ पेरुमल टेम्पल है, ठीक है। ये जो विष्णु को डेडिकेटेड है, वैकुंठ पेरुमल, वैकुंठ पेरुमल, ठीक है। तो किसने बनवाई ये? ये दोनों रासिम ने बनवाया है, रासिम स्टाइल में ये दोनों टेम्पल आते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे चोल टेम्पल आर्किटेक्चर। चोल ने भी जो अपना टेम्पल बनवाया वो भी द्रविड़ स्टाइल में ही आते हैं। चोल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और फेमस है वो है सिर्फ आपका तंजौर का बृहदेश्वर टेम्पल। और किसने बनवाया ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो राजराज फर्स्ट ने बनवाया था, ठीक है। किसने बनवाया था? राजराज फर्स्ट ने बनवाया था। ओके, ये हो गया आपका राजराज फर्स्ट ने बनवाया। तो ये इसका मटेरियल क्या है, ये थोड़ा मटेरियल जान लेना ज़रूरी है, ये भी पीजी वगैरह में पूछ लेता है। तो ग्रेनाइट स्टोन से ये बना है, ठीक है। तो चोल में आपको बस एक पढ़ना है, एक अभी जान लो क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। क्या है वो? बृहदेश्वर टेम्पल है जो तंजौर में, जो इनकी कैपिटल थी, वहाँ पर बनाया गया था और उसको बनवाया है राजराज फर्स्ट ने। उसका मटेरियल ग्रेनाइट स्टोन है। अब देखो राष्ट्रकूट टेम्पल आर्किटेक्चर, राष्ट्रकूटों ने भी जो बनवाए, राष्ट्रकूट जो डेक्कन वाले रीजन में रूल कर रहे थे उसमें उन्होंने बनवाए हैं एलोरा केव्स, ठीक है। एलोरा केव्स में उन्होंने टेम्पल्स बनवाए हैं और एलोरा केव्स ये देखो काफ़ी खूबसूरत इस तरीके से, ये अर्धचंद्राकार, ठीक है। इसमें इस तरीके से बनी हुई ये रॉक केव टेम्पल्स हैं, बहुत सुंदर है ये। अगर आप मास्टर्स करेंगे आर्किटेक्चर में तो ये सब पढ़ने को मिलेगा डिटेल से। तो देखो एलोरा केव जो है ये मल्टी रिलीजन है, मल्टी रिलीजियस को, मल्टी रिलीजन जो है आपका बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया और हिंदुइज़्म हो गया, इनसे रिलेटेड आपको इसमें मंदिर दिखाई देंगे, मंदिर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या समझना है, बस ये जान लो कि ये कहाँ पे है, लोकेटेड इन औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में है। ओके, महाराष्ट्र की एक डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद इसमें जो टोटल कितने हैं, टोटल आई थिंक 36 के आसपास इसमें केव्स हैं और जिसमें से 17 हिंदू को डेडिकेटेड है, हिंदू डेटीज़ को, जिसमें 12 जो बुद्धिस्ट को डेडिकेटेड है और जो 5 है, 5 जैनिज़्म को डेडिकेटेड है, ठीक है। तो इसमें से पूछिएगा नहीं कि कितना किस रिलीजन को दिया गया है, बस समझ लो कि हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म को डेडिकेटेड इसमें मूर्तियाँ बनाई गई हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, जो पूछता है वो है लास्ट वाला लाइन, कैलाश टेम्पल जो केव नंबर 16 में मिलता है, 13 से 29 जो हिंदू के लिए डेडिकेटेड है, उसमें 16 नंबर का जो केव है वो है कैलाश टेम्पल, जिसको कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया था, ठीक है। कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया था, शुरू किया था दंती दुर्ग ने, किसने? दंती दुर्ग इस नाम का एक रूलर था, उसने शुरू किया था पर बीच में बेचारा मर गया तो कृष्णा फर्स्ट ने उसको कंप्लीट करवा। और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी है 2022 में, पीजी एंट्रेंस में पूछा था, हिस्ट्री वाले में। कोणार्क वाला भी पूछा है आपका, एएचसी वाले में उसी साल पूछा था शायद कि कोणार्क का सन टेम्पल किसने बनवाया है, ठीक है। अब सन टेम्पल की बात हम अभी किए तो हमको दो और सन टेम्पल याद आ गए, एक सन टेम्पल ऑफ मोधेरा, ठीक है, सन टेम्पल ऑफ मोधेरा, मोधेरा जो कि गुजरात में है, मोधेरा आपका हो गया, और एक है सन टेम्पल ऑफ कहाँ पे, सन टेम्पल ऑफ कहाँ, एक है कश्मीर में, ठीक है, मार्तंड सन टेम्पल, जिसको ललितादित्य मुक्तापिंड ने बनवाया था। और ललितादित्य मुक्तापिंड कहाँ का है, किस डायनेस्टी का रूलर था, तो वो था कारकोट डायनेस्टी का। अब यहाँ ये कारकोट डायनेस्टी क्या है, तो ये कश्मीर की रूलिंग डायनेस्टीज थी, कश्मीर में 3 डायनेस्टी ने रूल किया है, कारकोट ने हालांकि किया तो और भी है, लेकिन जो फेमस डायनेस्टीज है वो है, उसको आप याद रख लेंगे कुल से, KUL, ठीक है, K से कारकोट है, U से उत्पल है, L से लोहार है, ठीक है। अब ये तीन लोगों ने जो है, 3 डायनेस्टी ने मिलकर रूल किया, इनमें जो फेमस है वो ललितादित्य मुक्तापीठ है कुल कारकोट वाले में। उत्पल में कहीं कहीं पर देता है कि दिद्दा जो है उत्पल डायनेस्टी से रूल कर रही थी। उसके बाद है लोहार, ठीक है। तो सन टेम्पल से मुझे ये सारी चीज़ें याद आ गई। ये आपका है रॉकेट एलोरा टेम्पल। अब है पल्लव आर्किटेक्चर, पल्लव आर्किटेक्चर में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इसमें 2 टेम्पल है, एक विरूपाक्ष टेम्पल है। विरूपाक्ष टेम्पल को बनवाया था लोक महादेवी ने, लोक महादेवी ये इनका पति जीत के आया था 3-4 युद्ध ऐसे विजय हासिल करके, तो बहुत खुश हो गई थी, तो अपने पति के सम्मान में उन्होंने ये मंदिर बनवा दिया, ठीक है। तो विरूपाक्ष मंदिर विष्णु को डेडिकेटेड है और लोक महादेवी ने बनवाया। फिर दूसरा है पुलकेसिन सेकंड,
ये पुलकेशिन सेकंड ने एक मेगुती टेम्पल बनवाया था, ठीक है। और ये मेगुती टेम्पल बनवाया किसने, तो रवि कीर्ति ने बनवाया था, इनके कहने पे रवि कीर्ति ने। अब रवि कीर्ति कौन है, यहाँ से भी आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए। रवि कीर्ति ने क्या किया था, एहोल, ठीक है। एहोल इंस्क्रिप्शन किसने लिखा है, एहोल इंस्क्रिप्शन रवि कीर्ति ने ही लिखा है, ठीक है। रवि कीर्ति ने लिखा है एहोल इंस्क्रिप्शन। एहोल इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चलता है, तो पुलकेशिन सेकंड और हर्ष, ठीक है, पुलकेशिन सेकंड और हर्ष के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो पता चलता है। ये क्यों हुआ था, हर्षवर्धन जो है अपना डायनेस्टी बढ़ाने के लिए, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए, एम्पायर बढ़ाने के लिए नर्मदा नदी से साउथ जा रहा था, इसलिए इन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, ओके। और इस टाइम पे, इसका टाइम पीरियड क्या है, 634 AD है, ठीक है, AD है। और ये टेम्पल भी बनाया गया कब है, 634 AD में, ओके, डन, ओके, थैंक यू। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, और इसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर हमने पढ़ा, इसमें हमने डिफरेंट स्टाइल पढ़े टेम्पल के, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में। फिर हमने जो खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स था उसमें अलग अलग मंदिर पढ़ा, जो इम्पॉर्टेंट था उसको मैंने बता दिया है कि किसने बनवाया है, इसके अलावा कोई इम्पॉर्टेंट नहीं था उतना, बस जानने के लिए इम्पॉर्टेंट था हालांकि, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका हमने बताया कि किसने बनवाया था, बस उसी का, ओके। और फिर हमने इमेज के जरिए पूरा समझा लेक्चर, और आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको ना समझ में आए, कहीं कन्फ्यूज़न हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।